हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह की शुरुआत होती है पानी के ग्लास के साथ, और ये है कॉपर का ग्लास। और मम्मी ने बताया मुझे कि रात भर इसमें पानी भर के रखना है, फिर सुबह पीना है, तभी उसका असर होता है। भाई लोग बड़े हो गए हो अब तुम। शीरो देख रहा है इधर से। अबे शीरो ये क्या लगा के आ गया? किसकी लिपस्टिक है? मम्मी की? बेटा तू बहुत पिटेगा अगर उन्होंने देख लिया तो। लड़ रहे हो? हेलो माम, ये देखो मम्मी की फेवरेट जगह है ये। मैं दोबारा सो गया था यार, और अभी मैंने नीतू की गाड़ी ना वो गई हुई थी सर्विस के लिए, तो वो गाड़ी आने वाली है। उसमें थोड़ा सा कुछ काम भी अलग से कराया था, अंदर से ड्राई क्लीन कराया, थोड़ी सी गंदी हो गई थी। और अभी पीछे चलता हूँ बैकयार्ड में, आपको दिखाता हूँ मेरे वो छोटे छोटे जो क्यूट क्यूट से पपीज है ना, काफी टाइम से उनसे मिला नहीं, आज मन कर रहा है उनसे मिलने का। बाप रे, सब लोग आ गए। आता हूँ मैं। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, तो बड़े हो गए हो तुम। मैं तुम्हारे घर चला जाऊँ? अच्छा देखो, ये अपने घर नहीं जाने देते। कूद क्यों रहे हो यार, कूद क्यों रहे हो? तुम्हारे घर जा रहा हूँ मैं। काला वाला भी शैतान हो गया अब भाई। क्यों कूद रहा है टकेशिस कास्टल की तरह बिना बात? लखन आए हैं अभी घर पर, और लखन के लिए एक सरप्राइज है। लखन गैस करो क्या हो सकता है वो। इधर देखो क्या हो सकता है वो, मुझे नहीं पता। हाँ बताओ, इस अलमारी को खोलो, इसको इसको खोलो। कोई है नहीं इसके अंदर। खुली क्यों है फिर ये? अरे खोलो तो, इसको खोलो। खुली हुई अलमारी? अरे खोलो, कोई होगा तो मर जाएगा अंदर दम घुटने दे। अरे कोई नहीं है, कोई प्रैंक नहीं, खोलो। क्यों डर रहे हो? डर नहीं रहा, ओ बाप रे, इसकी सारी चिप्स। लखन बहुत फूडी है जैसे कि आप सबको पता है, इसलिए मैं आज लखन के लिए शॉपिंग करके आई हूँ। तूने सामान ऐसा कर, नीचे देखो ना क्या क्या है। देखो गाइस मैं दिखाती हूँ लखन को, ये पता नहीं ये बहुत पसंद है, लेज बहुत पसंद है, कुरकुरे और पार्ले जी बिस्किट, ये सब लखन खाते हैं, तो मैं सब लेकर आई लखन के लिए आज। ये लखन का फेवरेट है। मम्मी ये देखो, मम्मी चली स्टेयर से क्योंकि पतली है। बहुत एक्सरसाइज करते हो आप भाई। हम तो नहीं करते, इसलिए हम जाएंगे लेफ्ट से। मैं और मम्मी चले लखन को पिक करने, उसके बाद हम बनाएंगे बहुत सारी रील्स। ये मम्मी ने बड़ी मुश्किल से बिंदी लगाई है, देखो इतना फोर्स करने के बाद मम्मी ने अपने माथे पर बिंदी लगाई है। और अभी हम आए हैं कुछ वीडियोस बनाने अपनी माता जी के साथ। आज तो वैसे जवान जवान लग रही है, हेयर कलर कराया, आप धोखे मत आ जाना। आज तो नीतू को फेल कर रही है। मैं बहुत ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल है, FOOL, ब्यूटीफुल। अब उनसे उठा नहीं जा रहा, प्लीज यार आंटी उठ जाओ, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। आओ ना, लो हाथ पकड़ो मेरा, मेरा हाथ पकड़ो जल्दी। आओ दम है छोरी में। गाइस आपको दिखाता हूँ, पार्किंग में मेरा हेलीकॉप्टर खड़ा है, दिखाता हूँ आपको। वहाँ पर खड़े हुए हैं दो दो हेलीकॉप्टर भाई, दोनों मेरे ही हैं। मजाक कर रहा हूँ यार, इधर खड़े रहते पूरे टाइम। ओए आलस छोड़, आज तुझे टास्क देता हूँ, इस पेड़ पे चढ़ जा। और अगर मैं चढ़ गई तो? 1000 रुपए की शर्त है। 1000 में क्या होता है? अरे क्यों, हाँ या ना, बात चैलेंज किया है। हाँ चढ़ सकती है, तुम चढ़ जाओगे? हाँ चढ़ जाऊंगा। तुम्हें मैं 10,000 रुपए दूंगी अगर तुम चढ़ गए। तेरे पे बड़े 10,000 रुपए है, बैंक में तेरे 3,000 रुपए है, कहाँ से देगी? उधार मांग के देगी? अगली चढ़ाना आता है भाई। वाह, मान गया मैं। मम्मी अगर हम आप चढ़ के दिखा दो, चलो। फोटो शूट हो गया, अभी भी चल रहा है। आंटी एक बात बताओ, वो बिल्डिंग क्या है? क्या है? क्या है? क्या है उस बिल्डिंग में? पता नहीं। उस बिल्डिंग में नीतू का पुराना घर है। हाँ। वो जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, हाँ। यहाँ पे नीतू रहती थी। हाँ। पता है कहाँ? अच्छा लगता था। ये इधर नीतू रहती थी, और मेरा 11th फ्लोर था, और इतना अच्छा लगता था। लेकिन अब वाला घर, वो तो आलिशान। और ये हमारी गाड़ी आ चुकी है सर्विस होने के बाद, अब मैं इसकी टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ। काफी स्मूथ चल रही है, मतलब हो जाता है ऐसा यार, जब गाड़ी में सर्विस नहीं होती ना तो थोड़े वेयर एंड टीयर दिखने लगते हैं गाड़ी में, मतलब गाड़ी की ड्राइविंग में ना थोड़ा फर्क पड़ जाता है जब काफी टाइम सर्विस नहीं हुई होती, और सर्विस के बाद ऐसा लगता है बिल्कुल अभी नई गाड़ी ली हो। बहुत बहुत अमेजिंग चल रही है यार। ये पता नहीं चल रहा कि ठंड जा रही है या वापस आ रही है, मतलब दिन में लगता है ठंड चली गई, रात को लगता है ठंड और भी ज्यादा आ गई। खैर अभी दिखाता हूँ आपको नीतू का स्यापा आज वाला, आइए मेरे साथ। नीतू बेटा जल्दी आओ, लोगों को स्यापा दिखाना है, जल्दी आओ। क्या स्यापा? आ जाओ। हाय ड्रामा क्वीन, जरा एक बार सामान पे दोबारा नजर फिरानी है मुझे। अच्छा आपने देखा, इसने इस अलमीरा से मुझे सामान दिखाया, जो सामान नहीं दिखाया वो वहां रखा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाओ भाई दिखाओ, जो सामान ये लेकर आई है, और आप देखना कितना इसने सच्चा सौदा कराया आज।
ये मैं बहुत सारे अपने पेंस लेकर आई हूँ। अच्छा, बहुत पढ़ती है नीतू। ओके, मेकअप तो खैर लगाती तू ज्यादा। और इतना ज्यादा वो कॉटन पैड। अच्छा, ये क्यों लाई है यार? ये हम कुछ ना कुछ करते रहे तो इसका भी मतलब फेविकॉल से क्या करते हैं नीतू ऐसा? अभी तक यूज नहीं हुआ फेविकॉल। हाँ, अच्छा नशा करती है फेविकॉल का। अरे बहुत अच्छे भाई। और देखो अभी मैं आपको मेन चीज दिखाऊंगा जिसपे इसका हाथ पड़ा है। निकाल निकाल निकाल, ये क्या है? कुछ भी। अच्छा, इतनी सारी फेविस्टिक। ये तो क्या काम है इनका? बता 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 बता। डिस्काउंट मिली तो इसलिए इतनी सारी ले आई। नहीं तो होलसेल रेट पे लेकर आई इतना सारा सामान। अभी मैं मेन चीज दिखाता हूँ आपको। हाँ भाई निकाल। ये आए पैकेट्स, इतनी सारी फेविक्विक लेकर आई है। अच्छा आप गैस करो कितनी फेविक्विक होगी। गैस, सही गैस करने वाले को 100 रुपए इनाम नीतू की तरफ से। 3, 2, 1। अब मैं बताता हूँ, गैस किया आपने। अब मैं आपको असली आंकड़े बताता हूँ। 78 फेविक्विक। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट में मिली है। और पता है डिस्काउंट क्या है? मतलब 75 खरीदने, मतलब 25 खरीदने पे एक एक्स्ट्रा मिल रही थी, 75 खरीदने पे 75 खरीदने पे तीन एक्स्ट्रा मिली, तो वो 78 हो गए। तो इसलिए क्या करूं इनकी, किसी दुकान वाले पे नहीं होती नहीं थी उतनी। मैं सोच रही हूँ दुकान खोल लूं तो मैं प्रैक्टिस करने के लिए ले आया। अच्छा, आप कुछ सोच सकते हो इससे आगे? यहाँ तो अंत हो जाता है इन चीजों का। अभी और भी कुछ दिखाता हूँ, और भी बाकी है अभी। वाह, अगर फेविक्विक किसी को चाहिए हो ना तो बता देना हमारी पूरी लखनी फैमिली को। देखियो नीतू, ऐसा क्या काम पड़ेगा मुझे समझ नहीं आया भाई। वाह, सारा सामान ये जो भी लाइए ना, एक भी सामान हमारे यूज करनी है इनमें से, सिवाय मेकअप रिमूवर के, ये सब यूजलेस। पेन अभी इतने सारे रखे हुए हैं, उनका तो आज तक इंक खत्म हुई नहीं है, नए पेनों की इसको जरूरत पड़ गई। और वाह, ये भी डिस्काउंट पे था, मैं बताना भूल गया आपको, इसीलिए ये भी एक्स्ट्रा आया। और फेविकॉल, नीतू तो क्या करने वाली है? सब फेविकॉल लेकर आई है, फेविस्टिक लेकर आई है, फेविक्विक लेकर आई है। मतलब नीतू ऐसा क्या होने वाला है भाई? मैं बताती हूँ कि मैं क्या करूँगी। अच्छा, इससे तू जो भी करेगी इन दोनों से भी करके दे। फेविक्विक से करिए वाला काम एक बार, मजा आ जाएगा। सही बता रहा हूँ मैं, इससे जो मुझे पसंद है मैं वो करूँ। कर कर कर, फिर इसको छुटाएगी यहाँ से। हाँ, जब तक ये छुटाती मैं आपको दूसरी चीज दिखाता हूँ। तो हाथ खराब हो जाएंगे बेटा इससे। ये देखिए, ये तो चलो सेल तो हमारी ऐसी चीज है जो डेली यूज में काम आती रहती है, और फिलिप्स के बल्ब वो भी काम आते रहते हैं, बस इनका समझ नहीं आ रहा। अच्छा देखो, ये जो चीजें है ना, ये तो ऐसी चीजें जो डेली मर्रा में काम आती रहती हैं, जैसे कि चिप्स, ये मैं खा ही जाऊंगा, बिस्किट वगैरह कोई ना कोई आते रहते हैं घर पे, गेस्ट भी आते हैं तो उनको भी देने के लिए, ये सब मतलब ये सब काम में आती है। और देखो मैं लखन के लिए, ये मुझे पसंद है टॉफीज यार, किसमी। अच्छा यार, इसे देख के बचपन का याद आ गई। और आप लोगों में से किस किसने किसमी खाई है बचपन में, मुझे जरूर कमेंट में बताना। अच्छा एक अमेजिंग बात आपको बताता हूँ कि ये सब हुआ क्यों है। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ से कोई 30-35 किलोमीटर दूर एक होलसेल का मार्केट है जहाँ पे चीजें सस्ती मिलती हैं अकॉर्डिंग टू नीतू। तो जैसे कि आपने देखा, 3 फेविक्विक एक्स्ट्रा मिली 75 खरीदने के बाद, मतलब 350 रुपए किसने फेविक्विक खरीदी, और हमें एक फेविक्विक का भी कोई काम नहीं है घर में अभी। लेकिन अकॉर्डिंग टू नीतू, नीतू ने ये बहुत फायदे वाली सौदा करा पता है। और साथ में नीतू यहाँ से 35 किलोमीटर गई, 35 किलोमीटर आई, मतलब 1500 को तो डीजल लग गया होगा। और नीतू की सेविंग कितनी हुई है? 3 फेविक्विक। नहीं यार, और भी चीजें नहीं है, चिप्स और की सेविंग हुई है। कितनी सेविंग? चिप्स की बताता हूँ, जो टोटल जैसे 100 के पड़ने वाले थे ना, वो पड़े हैं 96 के, 4 रुपए की सेविंग वहाँ हुई है। और मैगी, मतलब टोटल मिला के लमसम भी आप मिला लोगे ना, वही 50-60 रुपए की इसने बचत की है, 1000 रुपए का डीजल फूक के, और अपना 2 घंटे वेस्ट करके 35 किलोमीटर जाना और आना। तो नीतू, यू डिड अ ग्रेट जॉब, आई एम प्राउड ऑफ यू नीतू, होल लखनी फैमिली इज प्राउड ऑफ यू। मैं बताऊं, लखन ने मुझे आज इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया, यानी गुस्से वाली चीजें नहीं है। नीतू तू कुछ भी खरीद, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू अच्छे से सामान खरीद, लेकिन नीतू यूजलेस चीजें, मतलब देख ये चीजें ना अभी हर्ट नहीं कर रही, लेकिन बाद में सोचते ना कि ये बेवकूफी की चीजें होती हैं। देख सभी लोग तेरे को बताएंगे चीज, तू कुछ भी खरीद, कोई मना थोड़ी यार। सॉरी, नहीं सुबह भी टाइम है, इसको टाइम लगता है, कितना टाइम? बहुत खाली टाइम है तेरे पास। स्कूल में किया होगा, बहुत मजा आता है करने में। इसी के साथ हमें 6:30 हो चुके हैं और अभी तक सूखा नहीं है, बहुत खाली टाइम है। फाइनली 12 मिनट वेट करने के बाद वो मोमेंट आ गया, 5 काम हुए यार नीतू, जिसके लिए इसने फेविकॉल खरीदी है, जिसके अकॉर्डिंग
बहुत बहुत अच्छा बाय था इसका, दिखा दे भाई। वाओ वाओ नीतू, कैसे किया आपने ये? वाओ नीतू यार, नीतू तू सच में ना बच्ची यार अभी भी दिमाग से। देखो नीतू तू बड़ी तो हो गई लेकिन तेरा दिमाग 4 साल वाला है। अरे वाह मैजिक, प्लीज इसको घर पे ना करें, ये स्टंट घर पे ना दोहराएं। ये मेरी रियल स्किन है जो निकल रही है। इतनी वाइट, मैं बहुत गोरी हूँ इसलिए। मेरी मम्मी किचन में है और मम्मी ने बनाई है मेरी फेवरेट गोहत की दाल, चलो देखते हैं। हेलो मम्मी, रेडी? टेस्ट करा दो प्लीज। ये है पहाड़ी गोहत। यम मम्मी, मोटी सी मैं खाऊंगी गोहत की दाल। और कितने टाइम में बनाएगा? 3 महीने बाद। ये नीतू के घर के नीचे था, मिल गया मुझे। मैंने अपने लिए बिरयानी ऑर्डर की थी, अब ये खा रहा है। रात के बज रहे हैं 9 और मैं और मम्मी देख रहे हैं व्लॉग और मम्मी का खाना चल रहा है। ये देखो मम्मी और मम्मी के सीरियल्स। मैं भी बचपन में बहुत सीरियल्स देखा करती थी, जैसे गोपी बहू, गोपी बहू और क्या क्या। मम्मी तो नाटक लगा है दूसरा। मम्मी बताओ तो जो देखने से वो याद आ रहा है। मैं गोपी बहू देखती थी बहुत, अक्षरा ये रिश्ता क्या कहलाता है और बहुत सारे सीरियल यार, मैं बहुत बिल्कुल ऐसी थी। बाकी मुझे बड़ा मजा आता था यार सीरियल देखने, अब मुझे नहीं आता। अब मैं मम्मी को बोलती हूँ मम्मी आप कितने बड़े मतलब गपोड़े हो, कपोड़े मतलब कितने बहुत फनी हो आपकी, ये सब देखते हो और ये सब मतलब देख कैसे सकते हो, तो सर दर्द हो जाता है। मतलब जो चीजें हो नहीं सकती रियल में वो यहाँ पर दिखाई जाती है फेक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और अगर डेली व्लॉग्स देखने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।